अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तंजील रजा है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाउमीदी की वजह। एक नाउमीद इंसान आधा मरा हुआ होता है। हम देखते हैं नाउमीदी हमारे माशरे में कोरोना से ज़्यादा फैल रही है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो या नौजवान हो, हर कोई इस पाकिस्तान से दूर भागना चाहता है। किसी को कोई होप नहीं दिखता, किसी को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसकी रूट कॉज, इसकी बुनियादी वजूहात क्या है, और अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके सॉल्यूशंस क्या है। नंबर वन वजह कि आपके घर का माहौल। हमें बचपन से ही ये बताया जाता है कि आप बेकार हो, फालतू हो, बिल्कुल निकम्मे हो। अगर आपके पास सर्टेन ग्रेड्स नहीं आए, अगर आप इतने नंबर्स नहीं लेके आए, तो आपकी माशरे में हमारी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है, तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, कोई भी आपको वैल्यूबल नहीं समझेगा। इसी कंपैरिजन में हम बच्चे की सेल्फ एस्टीम, उसका कॉन्फिडेंस मार देते हैं। हम बच्चे को कंपेयर करते हैं पड़ोसियों के बच्चों के साथ, चाचा के बच्चों के साथ, ताया के बच्चों के साथ, और आसपास जितने रिश्तेदार हैं उनके साथ। हम बच्चों को ऐसा इन्वेस्टमेंट समझते हैं। हम समझते हैं कि ये जब बड़े हो जाएंगे तो इन्होंने हमें रिटर्न देना है वो सारा पैसा जो हमने इनकी एजुकेशन में लगाया है। और जब हम देखते हैं कि बच्चा हमें वो रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करके दे रहा, तो हमें गुस्सा आता है, हम उसे डिग्रेड करते हैं, हम उसे ताने मारते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों का कॉन्फिडेंस तबाह कर देती है। बच्चों को इधर कोई होप नहीं दिखता, फिर वो बाहर जाना, पाकिस्तान से बाहर जाना पसंद करते हैं और बाहर जाके भी झाड़ू पोछा करते हैं। सो नंबर वन इज़ घर का माहौल। नंबर टू इज़ आपका एजुकेशन सिस्टम। आपके एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादातर मेजॉरिटी वो लोग हैं जिनको कोई और काम नहीं मिलना, जिनको कहीं भी जॉब नहीं मिली, वो टीचिंग करने लग जाते हैं। जिनको, जिन बच्चियों को की शादी होने से पहले जो टाइम उन्हें मिलता है वो टीचिंग करने लग जाती है। और वो ख़वातीन जिनके घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होता है या किसी किस्म की परेशानियाँ हो रही होती हैं, वो एजुकेशन सिस्टम में आ जाती हैं। ऑन द टॉप ऑफ दिस, एजुकेशन सिस्टम का जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, जिधर आपके पास टीचर की शॉर्टेज है, स्टाफ शॉर्टेज है, टीचर अंडर प्रेशर्ड है, तो जो इंसान इस प्रेशर में, इस नाउमीदी में, जिसको खुद कुछ नहीं दिख रहा और वो मजबूरी में टीचिंग कर रहा है, वो किसी को क्या होप देगा। और ख़ास तौर पे देखें, स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रांग होता है, तो वो रिलेशनशिप बन ही नहीं पाता क्योंकि टीचर फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा होता है। सो एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादातर वो लोग हैं जो नाउमीद हैं, ज़िंदगी से हारे, हालात के मारे, वो किसी को क्या होप देंगे। हैंस बच्चे भी जो हैं वो बाहर जाना जाते हैं क्योंकि उनको होप इधर से भी नहीं मिल रहा होता। तीसरी वजह, दीन से दूरी। देखिए, हमारा दीन बड़ा खूबसूरत है। इस्लाम बार बार इंसान को ये बताता है कि अगर तुम्हें इस दुनिया में कोई नुकसान हो रहा है, कोई तुम्हारे पर परेशानी आई है, तो उसमें भी खैर का पहलू देखो, और अगर तुम्हारे पास कोई अच्छाई है और अच्छे हालात चल रहे हैं, उसमें शुक्र करो और उसमें भी अल्लाह ताला का खैर का पहलू देखो। तो पॉजिटिव थिंकिंग इस्लाम बाय नेचर आपको क्या कहते हैं आपके अंदर डालता है। आप ये भी देखिए कि इस्लाम, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं इन अमलों से युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। और एक और बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट देता है कि कभी भी अल्लाह ताला किसी भी इंसान पे इतना बोझ नहीं डालता जितना वो हैंडल ना कर सके। तो ये एक सेल्फ एक बड़ा कॉन्फिडेंस की चीज़ है कि हमें अल्लाह सुबहाना व ताला के पास के ऊपर पूरा भरोसा करना चाहिए कि उसने हमारे अंदर इमेंस पोटेंशियल देखा है, दिया है। और अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊँ, मतलब 10-15 साल हो गए इतने ट्रैवल किए हैं, मैंने उन्हीं लोगों को खुश देखा है जो कि अल्लाह सुबहाना व ताला के ऊपर यकीन रखते हैं, अपने मामलात उनके अल्लाह सुबहाना व ताला के पर छोड़ देते हैं अपने एफर्ट्स करने के बाद। आपने अक्सर माशरे में देखा होगा लोग कहते हैं अल्लाह मालिक है, तो वो लोग मुझे ज़्यादा मेंटली स्टेबल लगते हैं, उनका मेंटल हेल्थ ज़्यादा अच्छी रहती है और वो खुशहाल होते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं बुनियादी वजह जिससे की वजह से नाउमीदी इस माशरे में फैली हुई है, और हमने अगर इसको टैकल कर लिया तो हम नाउमीदी को टैकल कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया सुनने का, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।